हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेस डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिसोर्सेस के बारे में। रिसोर्सेस क्या होता है? जो भी चीज जो हम अपने नीड अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेस। जैसे कि पानी, पानी हम जैसे कि अपनी प्यास बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं, तो वो भी एक रिसोर्स हो गया। टीवी रिसोर्स हो गया, पेन, नोटबुक, हमारे बैग, मोबाइल, सब जो हमारी जरूरत को पूरा करता है वो है रिसोर्सेस। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ थिंग्स बिकम ए रिसोर्स। कोई भी चीज कैसे रिसोर्स बनता है? कोई भी चीज जैसे कि यूटिलिटी और वैल्यू। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। यूटिलिटी आपको कैसे पता चलेगा कोई कोई चीज रिसोर्स है? उसका यूटिलिटी देख के, अगर वो चीज यूज में आ रहा है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो रिसोर्स है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू। देखिए, कोई भी चीज का एक वैल्यू होता है, आप कोई भी रिसोर्स का वैल्यू होता है। किसी रिसोर्स का होता है इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे मेटल्स, सोना चांदी हो गया, ये सब का एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है। तो इससे आप पैसा कमा सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन जो लैंडस्केप हो गया, जैसे कि आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो गया, ये इकोनॉमिक वैल्यू भले ही इसका ना हो, लेकिन भी ये एक रिसोर्सेस है, क्योंकि हमारे जरूरतों को ये भी पूरा करता है। जब हमें शांति चाहिए होता है, जब हम अच्छे दृश्य देखना चाहते हैं, तो ये हमारे मन को ठंडक पहुंचाता है, तो ये भी एक रिसोर्स हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखें, हम ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है। हम लोग एक रिसोर्स है। जैसे हम लोग क्यों रिसोर्स है? क्योंकि हम लोग अपने आइडिया, अपने नॉलेज, अपने स्किल्स लगाकर हर मतलब किसी भी चीज को जो हमारे जरूरतों का चीज है, उसे हम रिसोर्स बनाते हैं, उसे यूज में लाते हैं, काम में लाते हैं, रिसोर्स बनाते हैं। इसलिए हम लोग भी एक रिसोर्स है। और टाइप्स ऑफ रिसोर्स, नेचुरल ह्यूमन मेड और ह्यूमन। तो रिसोर्सेस थ्री टाइप्स होता है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल वो होता है जो हमें भगवान ने दिया है, ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाया, ह्यूमन जो हम लोग खुद ही ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स जो हमें भगवान ने दिया, हवा, पानी, मिट्टी, लैंड, ये सब हो गया नेचुरल रिसोर्सेस। और देखिये, नेचुरल रिसोर्सेस क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन दियर लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसका हमें क्वांटिटी का पता है कि ये इतना है और ये इतने साल तक ये खत्म हो जाएगा, इस तरह से यूज किया जाए, या हम लोग इसे बोल सकते हैं कि क्वांटिटी, जिसके क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, उसे हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स। जैसे कि पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, जो भी हमारे अरब कंट्री हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, जो जहाँ पे तेल ज्यादा मिलता है, पेट्रोलियम ज्यादा मिलता है, वो जगह जो है, तो वहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल रिसोर्स है, ये हमें पता चलता है। और दूसरा क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स जिसका हमें क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है, और ये अभी हम भले ही यूज ना कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये हमारे फ्यूचर में यूज, हम इसे कर सकते हैं। और दूसरा है बेस्ड ऑन ओरिजिन, बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। बायोटिक हो गया लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, एबायोटिक हो गया नॉन लिविंग सोयल, रॉक एक्सेट्रा। और दूसरा है रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक में आप ले लीजिए। रेन्यूएबल क्या है? विच गेट रेन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, एग्जाम्पल सोलर, विंड, ओके, ये सब हो गया। ये क्या है? रेन्यूड हो सकता है, लेकिन नॉन रेन्यूएबल क्या है? जिसका लिमिटेड स्टॉक है। जैसे कि आप देखिए, कोयल, पेट्रोलियम, ये जो कोयल पेट्रोलियम हो गया, ये आपका बहुत, अगर ये खत्म हो गया तो बनने में बहुत साल लगेगा, ये सब फॉसिल फ्यूल होता है, तो हजारों साल लग जाएगा ये सब बनने में। तो ये एंटर ह्यूमन स्पेन, मतलब ये हजारों साल लग जाएगा कि ह्यूमन साइकिल एक मतलब खत्म हो जाए, इतना साल तक लग सकता है। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और दूसरा हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूबिकेटस जो मतलब हर जगह पाया जाता है, जैसे कि हवा और लोकेलाइज, जो मतलब पर्टिकुलरली हर जगह नहीं पाया जाता है, मतलब किसी सर्टेन प्लेसेस में पाया जाता है, जैसे कॉपर, आयरन ओर। और नेक्स्ट है व्हाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों,
कि मतलब क्यों रिसोर्सेज हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। आप देखते हैं कहीं पे प्लांट रिस्पोर्ट ज्यादा है, कहीं पे नहीं है, क्यों? जैसे कि इसमें टेरेन, क्लाइमेट, एटीट्यूड दिया गया है। देखिए कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेनियस है, कहीं का मौसम गर्म है, कहीं का ठंडा है, और कहीं पे पहाड़ पर्वत बहुत बड़ा बड़ा है, कहीं पे प्लेन लैंड है, कहीं पे वैली है, ये सब डिटरमाइन करता है दोस्तों, जिसके वजह से हर जगह रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? जो ह्यूमन ने बनाया है वो रिसोर्स, जैसे रोड, जो जैसे रास्ता ह्यूमन ने बनाया है, व्हीकल हो गया, ब्रिजेस हो गया, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? पीपल भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, मैंने आपको बताया, क्योंकि पीपल ही हर चीज को, मतलब कोई भी चीज को जरूरत के हिसाब से काम में लाता है, कोई भी रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को उसके काम पे लाता है। और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स, मतलब पीपल का क्वालिटी और पीपल का स्किल को, स्किल का क्वालिटी को बढ़ाना, इम्प्रूव करना, उसे कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और कंजर्विंग रिसोर्स, देखिए कंजर्विंग मतलब आपका क्या होता है? बचाना, रिसोर्स को बचाना। देखिए हमें रिसोर्स को बचाना चाहिए, केयरफुली यूज करना चाहिए, और उसे हमें वक्त देना चाहिए ताकि वो रिन्यूड हो। और देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि हमें जो अभी हमारे यूज को इस बैलेंस वे में यूज करना है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इस रिसोर्स का लाभ उठा सके। तो देखें ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट, देखें हर एक आदमी, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये करेगा वो करेगा, हर एक आदमी कर सकता है, हर आदमी को करना है, एक साथ हाथ बटाना है, हर आदमी एक दूसरे से लिंक है, इसलिए हमें रिड्यूस कंजम्पशन, जो हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसे रिड्यूस करना चाहिए। जैसे कि हमें अगर पास ही जाना है तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग पैदल जाएं, तो इससे हमारा क्या, तेल भी बचेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और रिसाइकल करना है और रीयूज करना है, इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। सी यू अगेन, बाय बाय।